हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को जरूर दबाएं। मैं वक्त आपका ज्यादा ले लेता हूँ, आप सलाम फेरते हैं और फौरन उठकर भाग जाते हैं। आज एक वक्त को छोड़ो, दूसरे औकात में नमाज एक घंटे की नहीं होती, दो घंटे की नहीं होती, तीन घंटे की नहीं होती, लेकिन इधर सलाम फेरे और दो रकात चार रकात सुन्नत, एक कंदम दो झुके चार टिच्चे और दो फेरे, इतनी फास्ट नमाज पढ़ते हैं कि फ्लाइट का मैलेज और फ्लाइट का पिकअप भी हमारी नमाजों के सामने शर्मा जाए और उठकर चले जाते हैं। आपको मालूम है कि मशरिक के मुसलमानों का आज क्या हाल है, मगरिब के मुसलमानों का क्या हाल है, अमेरिका के मुसलमानों का क्या हाल है, फलस्तीन के मुसलमानों का क्या हाल है, पाकिस्तान के मुसलमानों का क्या हाल है, हिंदुस्तान के मुसलमानों का क्या हाल है, जापान के मुसलमानों का क्या हाल है, मरीजों का क्या हाल है, मरहूमीन का क्या हाल है। बैठ कर एक 10 मिनट एक एक वक्त एक एक के लिए दुआ करो। आज हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम 2 घंटे दुआ में गुजार दे, 3 घंटे दुआ में गुजार दे। एक निसाब बना लो, एक सिलेबस बना लो, फजर की नमाज में दुआ में हम सारी उम्मत के मरीजों को दुआ करेंगे, जोहर में सारी उम्मत के मरहूमीन को दुआ करेंगे, असर में सारी उम्मत के ताजिरों को दुआ करेंगे, मगरिब में सारी उम्मत के माओ और बहनों की इज्जत और आबरू के तहफ्फुज के लिए दुआ करेंगे, ईशा में सारी उम्मत सारे जमाने और सारे दुनिया के मसाजिद और मदारिस के तहफ्फुज और बका के लिए दुआ करेंगे। अगर ऐसा थोड़ा थोड़ा करके हम सारी दुनिया के लिए दुआ करेंगे, क्या मालूम कि इस मजमे में कोई ऐसा अल्लाह का बंदा भी होगा जो वक्त का मकबूल होगा, वक्त का मुस्तजाब होगा, वक्त का महबूब होगा। तुम्हारी दुआओं की सख्त जरूरत है, दुआ करो। खुदा रब कायनात जुल जलाल वल इकराम दुआओं को कबूल करते हैं। अल्लाह के रसूल अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खुदा को 2 अमल बहुत ज्यादा पसंद है, एक बंदे का सजदा, दूसरा बंदे की दुआ। एक बंदे का सजदा कबूल, दूसरा बंदे की दुआ कबूल दुख पसंद है। ये 2 चीजें क्यों कबूल और पसंद है? इसलिए कि ये 2 चीजों में मुकम्मल तौहीद है, शिर्क से पाक अमल है। सजदा भी सारी कायनात में सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला को होता है, और मानना भी है तो सारी कायनात में सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के पास मानना है। जब बंदा खुशू और खुजू के साथ, तड़प और तरस के साथ, आजिजी और इंकिसारी के साथ अपने आप को इस धरती का सबसे बड़ा गुनहगार समझकर अल्लाह के दरबार में दुआ करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ को कबूल करते हैं और मलाइका को उसकी दुआ का गवाह बना देते हैं। हमारी दुआ अगर कबूल होना है तो 2 चीजों का लिहाज मुझे और आपको करना है। एक, हम गुनाहों से पाक रहे, दूसरा हमारा पेट हर किस्म के हराम माल से पाक रहे, तब जाकर हमारी दुआ कबूल होगी। गुनाह से पाक होना ये पहली शर्त है, और हलाल रोजी खाकर दुआ कर लो ये दूसरी शर्त है। यानी तो शर्त को आगे पीछे कर लो, पहले हलाल खाओ, उसके बाद गुनाहों से बचो, उसके बाद अल्लाह तबारक व ताला के पास दुआ करो। तुम्हारा रिश्ता जब गुनाहों से तुम बच जाओगे, मैं बच जाऊंगा, सारे मुसलमान गुनाहों से बच जाएंगे, और सारे मुसलमान हलाल खाकर अल्लाह तबारक व ताला से रिश्ता कायम करेंगे। अल्लाह फरमाएगा, तुझे मांगने की जरूरत नहीं है, तेरे मांगने से पहले मैं तेरी हर चीज को पूरा कर दूंगा। रिश्ता खुदा के साथ लाड़ और प्यार का हो जाता है।